नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी व्यूवर्स एंड सभी सब्सक्राइबर्स का। आज है हम शिवहरे पोल्ट्री फार्म पर जो कि जुके ही सतना में है, परंतु कटनी से बहुत नज़दीक है ये फार्म। हमारे साथ जुड़े हैं फार्म के ओनर विपिन शिवहरे जी। मैं आपको इस फार्म की खास बात बताना चाहूँगा और इनकी मेहनत के बारे में बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने ये फार्म शुरू किया था तब इनके पास मुर्गों की टोटल जो क्वांटिटी थी वो 200 थी, आज ये बढ़कर 2000 के प्लस जा चुकी है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि कैसे कड़कनाथ से हम फ़ायदा कमा सकते हैं और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कड़कनाथ पालन करते हुए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। जी नमस्कार, सबसे पहले किसान मित्रों का नमस्कार और आपका धन्यवाद कि आप हमारे फार्म पर आए और किसानों को एक नया रोज़गार के अवसर प्रदान कर रहे हैं आप। जी धन्यवाद। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपने आज से कितने समय पहले फार्म शुरू किया था, और जैसे मुझे आपने बताया था कि हम 200 चूजे लेकर आए थे, दूसरे 200 मुर्गे लेकर आए थे, सर कितने पहले आपने फार्म शुरू किया था? जी मैंने 200 मुर्गे से चालू किया था, ये लगभग 10 महीने पहले। हाँ। तो शुरुआती मैंने अंडे पर्पज से ही लाया था, लगभग 5.5 महीने की मुर्गियाँ, जिससे मैं अंडे का प्रोडक्शन, क्योंकि इसका अंडे का मार्केट रेट काफ़ी महंगा जाता है इसका अंडा, तो मैंने एक प्लान से ही बिजनेस चालू किया था। बाद में फिर मैंने हैचिंग का बिजनेस स्टार्टअप किया लगभग जनवरी से, और धीरे धीरे इस बिजनेस को रनअप किया। मैंने कई जगह अपने लोकल फार्मर्स को चिक्स प्रोवाइड किए हैं, और अभी आने वाले एक मंथ में मेरे को 2000 चिक्स का और एडवांस ऑर्डर है, तो मेरे पास चिक्स की रिक्वायरमेंट तो है काफ़ी, मतलब कस्टमर काफ़ी अच्छा इसको रिस्पांस दे रहे हैं, और धीरे धीरे मेरा टारगेट है कि मेरे पास आने वाली ठंड पे कम से कम 10,000 मुर्गियाँ हों, क्योंकि ठंड में इसका स्टॉक जितना भी अपन ज़्यादा करें वो कम ही पड़ता है। मैं ये जानना चाहूँगा, मान लीजिए अगर कोई भी नया किसान दोस्त मुर्गी पालन करना चाहता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि क्योंकि कड़कनाथ जो है सबसे महंगी माने जाने वाली मुर्गी है और इसका मार्केट भी थोड़ा सा दूसरे मुर्गियों की तुलना पर रेयर रहता है, तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए इसका पालन शुरू करना चाहिए? पहले तो आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट, कि आपका लोकल मार्केट कैसा है। फिर आपको थोड़ी मेहनत तो पड़ती है मेन मार्केटिंग पे, बट आज की डेट में यूट्यूब फेसबुक मार्केटिंग का बहुत अच्छा जरिया है, तो आप मार्केट बना सकते हैं चाहें तो। बाकी बस थोड़ा मेहनत है, लेकिन शुरुआती अगर 6 महीने आप मेहनत कर लिए तो आगे फिर आपको आराम ही आराम है, आपको कोई काम कहीं पे जाना नहीं पड़ता, सारे ऑर्डर आपके पास फ़ोन पे फ़ोन आते हैं, आपको ऑर्डर मजबूरन कैंसिल करने पड़ते हैं। जी। इसलिए आपको सिर्फ फर्स्ट ओनली सिर्फ मार्केट पे ध्यान दीजिए, बाकी बिजनेस तो ऐसा है कि ना इसमें कोई मेहनत पड़ती पालन करने पर, ना आपको दिन भर पानी देना पड़ता है, सिर्फ एक बार आपको दाना पानी सुबह दीजिए, 24 आवर्स के लिए फुर्सत हो जाइए आप। सर, कड़कनाथ मुर्गी का पालन करते हुए किसान दोस्त अगर मान लीजिए चूजे से शुरू करना चाहते हैं तो इसके जो चूजे का रेट है वो कितना मिल जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर अपन जानेंगे कि कितना फीड खाकर ये मुर्गी कितना किलो वजन बनाती है। जी अगर किसान मित्र चालू करना चाहें तो मुझसे लें या कहीं बाहर से भी लें चिक्स, पहले चिक्स देख लें कि चिक्स ओरिजिनल है। कई फार्म ऐसे होते हैं मीन्स हैचर पर्सन कि वो बाहर से अंडे खरीद के हैचिंग करते हैं, वो अंडे कैसे हैं, क्रॉस ब्रीड हैं, क्या हैं, ये अपने को आइडिया नहीं रहता। बल्कि ऐसे पर्सन से लें जिसके पास खुद के पेरेंट्स हों, तो जिससे आपके पास वो प्योर ब्रीड मिलेगी, और आपको ऐसे मतलब फार्मिंग करें कि शुरू से उनको ऐसे मतलब पर्पस पे डालें जिसमें उनका पालन आसानी से हो सके। और मैं किसान में तो कहना चाहूँगा, मेरे पास चिक्स हैं फिलहाल 65 रुपये चिक्स हैं 1 डे ओल्ड्स के, एंड वैक्सीन करके 90 रुपीज़ के। आपने पेरेंटर खुद के रखे हुए हैं, तो जो कड़कनाथ मुर्गी है ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है अंडे देने के लिए, है ना, और कितने अंडे देती है? ये लगभग 5.5 मंथ पे रेडी हो जाती है, और अगर कहने को देखा जाए तो ये लगभग महीने में 8 अंडे देती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 अंडे देती है। शुरुआती दिनों में 8 अंडे आते हैं, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है अंडे की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, और ये 2 साल तक अंडे देते हैं। और दिन का अगर दाने की बात करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है दाना कॉस्ट। आप बाकी मुर्गियों को देखेंगे, उनको दाने की खुराक बहुत है, और ये अधिकतम छोटे में तो 30-40 ग्राम,
लास्ट में जब एग लेइंग पर्पस में आते हैं तो इनको 100 ग्राम दाना लगता है। एक एडल्ट मुर्गे बड़े मुर्गों को आप 100 ग्राम दाना बहुत होता है। तो सर मुझे ये भी बताइए कि कितना किलोग्राम दाना खाकर ये मुर्गी एक किलो साइज़ का वज़न बना लेती है, ताकि जो किसान दोस्त हमें देख रहे हैं उनके मन में ये रहे कि यार हमें इतना समय लगने वाला है तो हम इस मुर्गी के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और फाइनली मुझे एक रेट भी बताइए कि एक किलो साइज़ होने पर आपके यहाँ पर क्या रेट मिलता है। जी सबसे पहले मैं बोलूँगा कि बात आती दाने की, तो दाना तो ऐसा है कि मुर्गी लगभग 3 किलो दाना खा के 1 किलो वज़न गेन कर लेती है। आप चाहें तो इनको फ्री रेंज पाल सकते हैं, इनको अपने कुछ भी खिलाइए आप, मैं कहता हूँ नीम के पत्ते तक ये खाते हैं, कुछ भी खाइए इनका वज़न बढ़ना ही है। बाकी आप अगर मार्केट दाना खिलाते हैं तो 3 किलो वेट, 3 किलो दाना करके 1 किलो वेट ये गेन कर लेते हैं। और मार्केट प्राइस तो इसका काफ़ी हर स्टेट का अलग अलग है, बट मेरे यहाँ 500 रुपये पीस में इसका रेट है, जो आने वाले 15 से 20 दिनों पे अंडे पे आ जाएंगी मुर्गियाँ। अभी आपके पास जो मुर्गियाँ हमें देखने मिल रही हैं इनका क्या उम्र होगी, क्या वेट रेशियो है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। वेट इनका लगभग 1 किलो है, 1 किलो 1100 ग्राम 1200 ग्राम का है जो अभी मेरे पास मुर्गियाँ हैं। और एज की बात करूँ तो लगभग 5 मंथ की होने वाली हैं, 5 मंथ की हो गई हैं, 5.5 मंथ इनका ख़त्म होकर 6वें पे चालू हो गई, तो ये मुर्गियाँ 5.5 महीने पे अंडे पे आती हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि 15 से 20 दिनों पे ये मेरे फार्म पे ये भी अंडे पे आ जाएंगी। जैसे कि दूसरी मुर्गियाँ भी अंडा, सर ने बहुत अच्छी बात करी कि अगर आप अंडे के रूप में इसका व्यवसाय करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो ये मुर्गी जो है वो आपको 120 से 150 अंडे तक के मैक्सिमम जो कैपेसिटी रहती है वो आपको मिलते हैं। तो इसका मार्केट प्राइस भी बहुत अच्छा मिलता है, देसी मुर्गी की तुलना पर आपको 2 रुपये 4 रुपये अच्छा ही रेट इसका मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी, पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ कड़कनाथ मुर्गी के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है और आप भी अगर कड़कनाथ मुर्गी का पालन करना चाहते हैं, उसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं, तो सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।